आप कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवा जो हमारे आगे बढ़ेंगे, युवा आगे कैसे बढ़ेंगे जब जो आगे बढ़ने का जरिया ही उनका खत्म कर दिया जा रहा है। आशा है आप अगर इतने लगन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ही किसान के घर से आते होंगे, किसान के बेटे होंगे। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों इस लाइनों का मतलब है हमारे देश के जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उन्होंने कहा था कि हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व को क्या मानता है, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। लेकिन आज उसी भारत में स्थिति ये आ गई है कि युवा किसी के खिलाफ डिसलाइक की बटन दबा रहे हैं तो कोई युवाओं के बारे में सोच नहीं रहा है, कोई हैशटैग कुछ बायकॉट चला रहा है तो कोई कुछ चला रहा है। आखिर हो क्या गया है? हमारा देश भारत, हमारा देश जो है युवाओं का देश है और इस देश में युवाओं को ही इग्नोर किया जा रहा है। आपको पता होगा जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो कहां से आते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिता किसान हैं, भाई साहब इलाहाबाद में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, लखनऊ में आते हैं, जयपुर में आते हैं पढ़ने के लिए। घर से उनके पास उनके पिताजी किस प्रकार से रोजी रोटी से अपने पैसे को काट कर इनको पढ़ने के लिए भेजे हैं। आपको पता होगा आप भी किसान परिवार से आते हैं, मुझे आशा है आप अगर इतने लगन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ही किसान के घर से आते होंगे, किसान के बेटे होंगे। और किसान का अगर एक बार गेहूं जो है 10,000 का बिक जाता है एक साल में ना, तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि भाई फलाने का गेहूं 10,000 में बिका है, पूरे गांव में शोर हो जाता है। लेकिन यहां स्थिति आज यह हो गई है कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो है पूरे साल में 10,000 से ज्यादा फार्म भर देता है और उसके लिए रिजल्ट की बात छोड़िए, एग्जाम कराने की डेट का इंतजार करते रहते हैं, उसको 2 साल बीत जाते हैं। मैं अगर आपको बात करूं तो मैं क्या हूं, मैं सस्सी जेई का स्टूडेंट हूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूं, ठीक है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं। अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करें तो अब जिस युवा को रीढ़ की हड्डी माना जाता है हमारे देश में, उसी युवा पर अत्याचार हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है। रिजल्ट का इंतजार करते करते 2-2 साल बीत जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, एग्जाम का डेट 2-2 साल बीत जाता है, एग्जाम नहीं आता होता है। और अभी कोरोना चल रहा है, अभी क्या है, कोरोना चल रहा है पूरे देश में। जो लोग कह रहे हैं हमारा एग्जाम करवा दीजिए उनका एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं हमारा एग्जाम मत करवाइए पोस्टपोन कर दीजिए उनका एग्जाम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है एसएससी का? अब देखिए एग्जाम उनको कराने में कोई समस्या नहीं हो रही, एग्जाम करवा दे रहे हैं, सरकारें भी सब कुछ व्यवस्था कर दे रही हैं। लेकिन एसएससी का रिजल्ट क्या है, 4-4 साल से 2-2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका रिजल्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। लोग इसके लिए बायकॉट का नारा लगा रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, क्या है ये सब? आखिर युवा मतलब कहां जाना चाहता देश, हमारा देश को लोग कहां ले जाना चाहते हैं? अब अगर हम बात करें थोड़ा सा रिजल्ट की तो देखिए अभी हम लोगों ने एसएससी जेई का फॉर्म भरा था, एसएससी जेई की परीक्षा हुई थी दिसंबर में, आज 8 महीने हो गए, 8,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम आपको मिलवाते हैं आपके अपने पांडे सर से जो कि आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं, देखिए क्या स्थिति है। धन्यवाद सर आपने बोलने के लिए कहा हमको। देखिए आपको पता होगा एसएससी जेई मेंस की बात करते हैं हम, एसएससी जेई का जो है फॉर्म आता है 2000 जो है, पहली बात तो एक साल का गैप करते हैं लोग, एक साल का गैप करते हैं, 2017 में कोई वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है, एक साल बाद जब वैकेंसी आती है उसको क्लियर करते हैं किसी तरह से, उसमें सीटें घटा दी जाती हैं। एसएससी जेई में जो पिछले लगभग 2016 तक हमेशा 1600, 1100, 1200, 1200 सीटें आती थी, उसमें 250 सीटें आती हैं, 250 सीटें आती हैं, उसमें सिविल की मतलब आप समझ लीजिए कि 200 सीटें होती हैं, ठीक है, पहला यहां से शुरू हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर 2018 वाले एसएससी में 1600 सीटें तो आई, प्री का एग्जाम भी टाइमली हुआ, मेंस का एग्जाम हुआ 29 दिसंबर को, आपको पता है मेंस का एग्जाम 29 दिसंबर को हुआ, 8,000 लड़कों ने मेंस का एग्जाम दिया और 29 दिसंबर से आज 31 अगस्त हो गया है, 31 अगस्त तक 8 महीने में 8,000 कॉपियां नहीं चेक हुई आपकी, 8 महीने में 8,000 की कॉपियां नहीं जो है 8,000 कॉपियां नहीं चेक हुई। जब जो लड़के मतलब रोजगार चाहते हैं, केवल और केवल एक ही चीज है कि रोजगार को जो है जितना पीछे धकेल दिया जाए उतना ठीक है, रोजगार को पीछे धकेलने का मतलब युवाओं को पीछे धकेला जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी जेई को आप जानते होंगे, ठीक है, यूपी की हम बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में फॉर्म आता है, उसमें 489 सीटें होती हैं, 4 साल बाद, 4 साल तक पेपर नहीं होता है और 4 साल बाद जब पेपर का कराने का समय आता है तो सीटें घटा के 103 सीटें घटा दी जाती हैं और 386 सीटें हो जाती हैं। आप बताइए 2016 में फॉर्म आया जेई का और 2020 में 103 सीटें घटा दी गई, जबकि 2016 से 2020 के बीच में कोई भी वैकेंसी नहीं आई, ना ही कोई जेई के पद का जो है फिलिंग हुआ, तो बताइए सीटें बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? भाई जो लोग वहां पे जेई के पद पे होंगे उनका रिटायरमेंट भी हुआ होगा, तो सीटें घट गई 103 सीटें 4 साल बाद,
जबकि 4 साल बाद सीटों को इंक्रीज होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था। वही बात करते हैं हम डीएमआरसीजे का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आती है, लड़के एग्जाम देते हैं, 139 सीटें होती हैं, 139 सीटों का रिजल्ट आता है, लड़के खुश हो जाते हैं, घर पे मिठाइयां बांटते हैं। जो लोग गरीब घर से आते हैं उनके घर वालों को अगर पता चलता है कि हमारे लड़के का सिलेक्शन हो गया, पूरे गांव में उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन कर्जा लेके लोगों को मिठाई खिलाते हैं। लेकिन एक महीने बाद फिर पता चलता है कि उनमें से 39 लड़कों को बाहर कर दिया गया है। उनके घर में क्या जैसे जलता हुआ दीपक बुझ जाए ऐसा कुछ फील होता है। इसी तरह बात करते हैं हम आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी आपको पता होगा कि पेपर का मतलब एडवर्टाइजमेंट आए हुए कितने दिन हो गए, लड़कों को 500 रुपए का फॉर्म, जो गरीब मतलब जिनके लिए 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मतलब हरी सब्जियां नहीं खा पाते हैं वो लोग 500 का फॉर्म भरते हैं इस जो है आशा में कि हमको 400 रुपए वापस भी मिलेगा और हमारा जब जॉब लग जाएगा तो हम ऐसे 500 हम अपने सैलरी से बचा लेंगे। ठीक है, तो हमारा वो हो जाएगा, हम कर्जा ले लें अभी पढ़ लें लेकिन बाद में उस कर्जे को जो है अदा कर देंगे। लेकिन होता क्या है, फॉर्म के लिए पैसा ले लिया जाता है, फॉर्म भरा दिया जाता है, उसके बाद वेंडर ही नहीं डिसाइड होता है। भाई पैसा आप किस आधार पे लिए जब वेंडर ही नहीं आपका डिसाइड हुआ था, कैसे आप फिक्स कर दिए कि 500 रुपए में आपका काम हो जाएगा, ये तो काम वेंडर का है ना। तो ये चीजें हो रही हैं आपके साथ। तो सोचिए आप जो भी चीजें ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड चल रहा है आप उसमें अपना सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिए कि स्टूडेंट होने के नाते, एक युवा होने के नाते। ठीक है, ये जो चीजें मतलब अभी घट रही है वो आपके साथ भविष्य में ना हो उसके लिए आप खड़े होइए। एक मतलब संवैधानिक तरीके से आप किसी भी पर्सनल व्यू में किसी को टारगेट मत करिए लेकिन अपने जो समस्याओं को टारगेट करिए आप। ठीक है, और उसमें जो है आप क्या करिए, अपना सहयोग दीजिए, जितना आप कर सकते हैं करिए, ये आपके लिए उचित होगा। और आप जो है आप मतलब कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवा जो हमारे आगे बढ़ेंगे, युवा आगे कैसे बढ़ेंगे जब जो आगे बढ़ने का जरिया ही उनका खत्म कर दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि थाली से अगर एक रोटी हटा ली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब थाली ही आगे से हटा ली जाएगी तो आप क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे ना। तो इस चीज को आप देखिए, बाकी आगे आपसे प्रांजल सर बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि हमारे देश में क्या हो रहा है इस समय, मन की बात की जा रही है। मैं देखिए किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा नेता है, जो हमारे क्या है, हमारे गार्जियन के समान है, और वो अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत करते, अगर हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो उनसे हमें बताने में, उनके खिलाफ आवाज उठाने में कोई इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे स्टूडेंटों की हालत, भाई साहब यहाँ पढ़ते पढ़ते उनके बाल झड़ जा रहे हैं, सुबह से आते हैं मतलब एक गंजी खरीदना होता है ना, संडो गंजी खरीदना होता है, उसके लिए 4-4 महीने बाद खरीदते हैं, फट जाती है पीछे। तो इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए युवाओं के मन की बात मैं आज आपसे करूंगा, युवाओं के मन की बात जो शायद आपके मन की भी बात होगी। देखिए हम लोग कहां से आते हैं, किसानों के घर से आते हैं। ठीक है, जब हम लोग कितने साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, हमारे मम्मी पापा पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनना है, तो हर किसी का सपना यही होता है, हर किसी का उत्तर यही होता है कि हमें IAS बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। क्या हम गरीब हैं तो ये हमारा गुनाह है कि हमें सपना देख रहे हैं? और उसके बाद जब हम इंटर करके ग्रेजुएशन करके किसी तरह से आते हैं पढ़ने इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, उसके बाद आलम यह होता है कि हमारी सीटें घटा दी जाती हैं। जब भाई साहब सीट ही नहीं बचेगी तो हम फाइट किस पे करेंगे, एग्जाम किस लिए देंगे? अब यहां पर क्या हो रहा, प्राइवेटाइजेशन क्या दिया जा रहा है। अब देखिए मैं आपसे बात करूंगा, साफिन हसन एक IAS अफसर है, ठीक है, वो बहुत कम उम्र में IAS अफसर बन गए हैं। उनकी अगर आप स्टोरी देखना चाहें YouTube पे मिल जाएगी, आपको देख सकते हैं। वो क्या था, उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, खाने के लिए भोजन नहीं होता था, लेकिन वो IAS बने सबसे कम उम्र में। अब सोचिए कहां से था, जिसके पास खाने का कुछ जरिया नहीं था, वो एक मतलब जिले का पूरा मालिक हो जाता है, केवल और केवल किसी देन है, केवल और केवल कंपटीशन की देन है, रोजगार की देन है, जो हमारे पास वैकेंसी आती थी उसकी देन है। जब ये सारी चीजें क्या होंगी, प्राइवेट कर दी जाएंगी, तो जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, उनके बेटे क्या करेंगे, जो अभी सपना देखते थे हम डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, वो क्या करेंगे, 10,000 की नौकरी कहीं कर लेंगे, माँ बाप भी कितने दिनों तक झेल पाएंगे, भाई माँ बाप भी बहुत करेंगे, 2-4 साल तक झेलेंगे, उसके बाद कहेंगे बेटा हाथ जोड़ते, हमारे पास इतनी पैसे नहीं है, इतने बार पास सोर्स नहीं है कि हम आपको आगे पढ़ा सके। तो बेटा भी भाई साहब कसाई नहीं होगा, बेटा भी कहेगा ठीक है पापा हम जाते हैं, आप कुछ ना कुछ नौकरी ढूंढते हैं। तो ये तो आलम हो गया हमारे देश में। अब मैं आप लोगों से बस यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जो यहां पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है, SSC रिजल्ट डिक्लेयर, SSC का रिजल्ट डिक्लेयर हो, और #speakup फॉर
एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इस ट्रेंड को आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कीजिए ताकि ट्विटर पर जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि हाँ हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, कुछ कहीं मतलब कहीं ना कहीं उनको पता चले। हालांकि पता तो चल ही गया होगा, ऐसा नहीं है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको करेंगे उनको लगेगा कि हाँ हमारे खिलाफ हम मतलब कितने लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। अभी कल वीडियो अपलोड हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात में, उसमें जितने लोग लाइक्स नहीं कर रहे हैं, 20,000 लोग लाइक किए हैं तो देख रहे 2.5 लाख लोग डिसलाइक किए हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो प्रधानमंत्री है, बहुमत से आए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लाइक और डिसलाइक को वोट में बदल लीजिए। वो क्या है, एक व्यक्ति केवल एक ही लाइक या डिसलाइक कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसका रेशियो देखेंगे तो लाइक जो है 1/10 है, अरे 1/10 से कम है, ठीक है। और 1/10 में आपको विपक्ष में भी बैठने का अधिकार नहीं होता है संसद में, ठीक है। आप तो पूर्ण बहुमत से आए हैं सरकार में, तो आपको सोचना होगा, या तो ये हो सकता है कि जो आपके समर्थक थे वो आपके विरोधी हो गए हैं, या तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आपके समर्थक हैं भी वो भी आपसे नाखुश हैं, इसीलिए डिसलाइक इतना बढ़ रहा है। तो इसका यह संकेत है, ये आप लोग के आपके लिए सिंबल है कि इस पर ध्यान दे, युवा आपके खिलाफ हैं। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहूंगा, यहाँ पर युवा बनाम बेरोजगारी लड़ाई हो रही है, और जब युवा क्या है हारना शुरू कर देगा, युवा क्रुद्ध हो जाएगा, युवा के खिलाफ कोई जाएगा तो युवा अकेला नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक युवा अपने पूरे माँ बाप पूरे फैमिली की मतलब का मन होता है, का विचार होता है, जो एक युवा करेगा वही उसकी पूरी फैमिली करेगी। अगर एक युवा डिसलाइक बटन दबा रहा है तो वही जाके वोट भी करने वाला है, और अगर वो वोट करेगा तो उसकी पूरी फैमिली वोट करेगी, ठीक है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, बस मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन इतना है, मेरा इंडिकेशन इतना है कि आप समझ जाइए युवा आपके खिलाफ है, युवा खिलाफ हो कि ना हो आपसे कुछ आशा कर रहा है तो उस आशा को पूर्ण कीजिए। मैं हाथ जोड़कर फिर से निवेदन करूंगा और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, अगर आगे मुझे जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।